आप चाहते हैं हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी पुश करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो मैसेज आपको मिले। आप लोग जहां कहीं भी शिव जी के पावन भूमि में पहुंचे तो सर्वप्रथम शिव गंगा में पहुंचना जरूरी है। और यदि आप घर से ही स्नान करके चले हैं फिर भी शिव गंगा का जल शरीर पे संचित करना चाहिए, क्योंकि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग्यम। गौरी जी वाम भाग में शिव जी के पास रहती है और गंगा जी जटा में खेल रही है। उतना ही नहीं, गंग भंग दो बहन है। आप लोग जानते हैं शिव जी को भंग भी प्रिय है, तो दोनों बहन है, गंग भंग दो बहन है। सदा रहते शिव के संग, गति देने को गंग है और मति देने को भंग। कहने का भाव है यदि हम शिव गंगा में पहुंचते हैं, शिव गंगा का जल शरीर पे संचित करते हैं तो इससे गति होता है, पवित्रता होता है। फिर पुनः बाबा के घेट पे पहुंचे और वहाँ एक घंटा है, जो घंटा से बाबा को हाजिरी लगावे, बाबा हम आपके दरबार में आ गए हैं। पश्चात चंद्रकूप, संकल्पित चंद्रकूप है बाबा का, उसमें बाबा के निवित जल ले और चंद्रकूप का जल लेकर पंडा जी लोगों से संकल्प कराएं। फिर पश्चात संकल्प के पश्चात ही बाबा का पूजा अर्चना करें। पश्चात बाबा के गर्भगिरी पहुँचे और वहाँ पहुँचकर बाबा का पूजा पाठ करें और बाबा का परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा होता है, पूर्ण परिक्रमा करने से बाबा को जलाभिषेक किए हुए जल का यदि नांग दिया जाता है तो सारा पूजा का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए देवाधिदेव महादेव का अर्ध परिक्रमा किया जाना चाहिए। और वहाँ से निकलने के बाद माँ जगदम्बा पार्वती, गणेश जी, बाबा भैरवनाथ, पंचमुखी हनुमान जी, पीपल का वृक्ष है जहाँ न्याय के देवता शनि जी का वास है और बगल में पंच देवता का भी मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर है और अंत में बाबा नंदी घर घर करे आनंदी। आप सभी जानते हैं सज्जनों, बाबा नंदी सेकंड बाबा कुशेश्वर नाथ जी नंदी ही हैं और नंदी जी के कान में जो कोई श्रद्धालुगण श्रद्धा भक्ति से अपना मनोकामना कहते हैं, नंदी जी बाबा से उस मनोकामना को पूरा करवाते हैं। और नंदी जी वहाँ सौ परिवार समेत विराजमान हैं, बगल में महादेव भी हैं, महाकाल महादेव हैं, जहाँ नंदी के साथ साथ महाकाल महादेव का भी पूजा अर्चना करें। और कहते हैं अकाल मृत वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। उस महाकाल के पास मैं स्वयं बैठकर आए हुए श्रद्धालुओं का चंदन से स्वागत करता हूँ। मेरा काम यही है, आए हुए बाबा के अतिथि श्रद्धालुओं का चंदन से सेवा सत्कार करना। श्रद्धालुओं से निवेदन है, मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हुए शिव गंगा घाट पर माँ जगत जननी जगदम्बा काली का मंदिर है, वहाँ भी पहुँचकर माँ काली का पूजा अर्चना करें और पुण्य का फल प्राप्ति करें। क्योंकि दुर्गा दुर्गति नाशनी, काली काल विनाशनी, इसलिए श्रद्धालुओं से मेरा विनती है आप लोग बार बार बारंबार बाबा के दरबार आते ही रहते हैं, बाबा के दरबार में अवश्य पधारें। हर्षोल्लास के साथ पहुंचकर सौ परिवार, सौ समाज
स्वकुटुंब सहित पधारकर बाबा का पूजा अर्चना दर्शन करें। बाबा कुशेश्वरनाथ जी आपके परिवार में पुत्र धन सुख शांति सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे और अपना इच्छा अनुसार दक्षिणा दें और प्रणाम करें, क्योंकि पंडा जी यहाँ के तीर्थ गुरु हैं। जो कोई भी श्रद्धालुगण आएंगे बाबा का पूजा पाठ करेंगे, पंडा जी का दक्षिणा देंगे, तब ये पूजा का फल प्राप्ति होता है। यहाँ ही नहीं, कहीं तीर्थस्थल पे आप जाएं और वहाँ के सेवक को अगर आप दक्षिणा नहीं दें, पूजा पाठ करावें, तो फल में कमी पाई जाती है। इसलिए सज्जनों, विशेष क्या कहना, समयाभाव के कारण मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय बाबा कुशेश्वरनाथ जी, जय मैया पार्वती, जय बाबा।